नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए ब्रिक्स सम्मेलन में भारत के पास बड़ा मौका। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ देशों को एकजुट करेगा भारत। आज से गोवा में शुरू हो रहा है सम्मेलन। ब्रिक्स सम्मेलन से पहले रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ मुलाकात करेंगे पीएम मोदी। दोनों नेताओं के बीच रक्षा सौदे समेत 18 करार पर होंगे हस्ताक्षर। मुश्ताक जरगर के आतंकी संगठन अल उमर मुजाहिदीन ने ली श्रीनगर में हुए हमले की जिम्मेदारी। कल शाम जकूरा में एसएसबी की टीम पर हुआ था आतंकी हमला, एक जवान शहीद, 8 घायल। बीकानेर के खाजूवाला से 2 संदिग्ध जासूस गिरफ्तार। गाँव वालों से जुटा रहे थे बीएसएफ की जानकारी। गाँव वालों को जानकारी देने के लिए की थी 25 लाख की पेशकश। दिल्ली सरकार की 400 फाइलों की जांच कर रही शुंगलू कमेटी को भंग करने की मांग एलजी ने ठुकराई। कहा, जान से क्यों डर रही है दिल्ली सरकार। राजस्थान के टोंक जिले में जमीन से मिले सोने के सिक्के, गांव में लगा लोगों का मजमा, सब पर खजाना पाने का जुनून सवार। और चाइनीज ताइपाई ग्रांप प्री के सेमीफाइनल में पहुंचे भारतीय खिलाड़ी सौरभ वर्मा। जापान के केंटो होरिची को 4 सेटों में हराया। अब चाइनीज ताइपाई हसुजेन से होगा मुकाबला। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।